वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान से इल्हाक की ख्वाहिश किसी एक जमात की नहीं बल्कि ये पूरी कश्मीरी आवाम की मुश्तरका ख्वाहिश थी। यौम इल्हाक पाकिस्तान पर वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने अपने पैगाम में कहा कि करारदाद इल्हाक पाकिस्तान के पीछे कश्मीरी आवाम की मंशा थी और इसी करारदाद के तनाजुर में तहरीक आजादी का आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में तहरीक आजादी की बुनियाद 19 जुलाई 1947 की करारदाद इल्हाक पाकिस्तान है और ये वही करारदाद है जिसने कश्मीरियों के लिए मुस्तकबिल का रास्ता मुतय्यन किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर एक इकाई है जबकि भारत कश्मीरियत को खत्म करने के दर पे है। नई सरकार को चाहिए कि उसने कश्मीरियों को हक खुदरादियत देने का जो वादा कर रखा है वो उसे पूरा करे। राजा फारूक हैदर ने कहा कि बरे सगीर में मसला कश्मीर हल होने से अमन आएगा, मसला कश्मीर हल होने से ही ये खित्ता तरक्की करेगा। भारत गुर्बत के खात्मे पर तवज्जो दे जबकि वो दिफा पर कसीर सरमाया खर्च कर रहा है।